गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल टाइम स्टडी। बच्चों आज हम क्लास फोर्थ का मैथ का चैप्टर टू पढ़ेंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट। बच्चों चैप्टर वन हम पढ़ा चुके हैं, अगर आपने चैप्टर वन की वीडियो नहीं देखी है आप हमारे चैनल पर जाके चैप्टर वन की वीडियो देख सकते हैं। बच्चों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा जिससे आने वाली हमारी कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। ओके बच्चों लेट्स स्टार्ट चैप्टर टू, लॉन्ग एंड शॉर्ट, बड़ा और छोटा। हाउ फार अपार्ट आर द डॉट्स, जो पिक्चर में आपको डॉट्स दिख रहे हैं ये कितनी कितनी दूरी पर है ये बताना है आपको। गैस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स, किन्हीं भी दो डॉट्स के बीच का डिस्टेंस गैस कीजिए, अंदाजा लगाइए, अनुमान लगाइए। हाउ मैनी सेंटीमीटर इज इट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने सेंटीमीटर है। नाउ मेज़र इट विद द हेल्प ऑफ ए स्केल, फिर उसको आप स्केल की हेल्प से मेज़र कीजिए कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर है। ओके डिड यू गैस राइट, जो आपने अनुमान लगाया था क्या वैसा ही है, बताना है बच्चों आपको। विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर द फार्देस्ट फ्रॉम ईच अदर, ऐसे कौन से दो डॉट्स है जो एक दूसरे से सबसे ज़्यादा दूरी पर है, मान लीजिए जी और एम एक दूसरे से बच्चों सबसे ज़्यादा दूरी पर है, ये आपको बताना है। चेक योर आंसर, अपना आंसर चेक कीजिए स्केल की हेल्प से, इनके बीच का डिस्टेंस मेज़र कीजिए और फिर बताइए कौन से जो दो डॉट्स है जो सबसे ज़्यादा दूरी पर है। Which two dots are nearest to each other? Check your answer. अब आपको क्या बताना है, कौन से जो दो dots है जो सबसे ज़्यादा पास में हैं एक दूसरे के, उनका डिस्टेंस मेज़र करना है स्केल की हेल्प से और फिर आपको बताना है। ओके बच्चों अब पेज नंबर 14 की तरफ चलते हैं। द शॉर्टन लाइन, छोटी लाइन। अकबर वाज ए फेमस किंग, अकबर जो है वो थी प्रसिद्ध राजा था। ही हैड ए स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल, उसका जो मिनिस्टर है मंत्री वो स्मार्ट बहुत ही चतुर था, कौन, बीरबल। वंस अकबर गेव हिम ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, एक बार अकबर ने उन्हें बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन दिया, प्रश्न दिया। ही ड्रू ए लाइन ऑन द फ्लोर, उन्होंने फ्लोर पर एक लाइन ड्रॉ करी। बीरबल हेयर इज अ लाइन, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग। अच्छा ये अकबर है, ये बीरबल है। अकबर ने बीरबल को बोला मेरी लाइन को विदाउट इरेज किए इसको छोटी बनाओ, तो बीरबल ने क्या किया, नाउ योर लाइन इज शॉर्टर। बीरबल ने क्या किया, चौक की हेल्प से अकबर की लाइन से भी बड़ी लाइन बना दी, जिसकी वजह से बीरबल की लाइन छोटी हो गई। बीरबल यही बोल रहा था जिसके वजह से अकबर की लाइन छोटी हो गई। अकबर ने क्या बोला था बीरबल को, मेरी लाइन को छोटी बनाइए विदाउट इसको इरेज किए, बिना इसको इरेज किए, तो अकबर बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने उससे भी बड़ी लाइन बना दी जिसकी वजह से अकबर की लाइन क्या हो गई बच्चों, छोटी। लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड्स अकबर लाइन शॉर्टर, अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन करके बताइए पिक्चर की हेल्प से, इस पिक्चर में देख के बताइए बीरबल ने अकबर की लाइन को छोटी कैसे बनाया। मैंने बता दिया ना बच्चों, बीरबल ने क्या किया, अकबर से भी बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी, जो अकबर ने लाइन ड्रॉ की थी उससे भी बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी, इसकी वजह से अकबर की जो लाइन है वो छोटी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ कैन यू बी एज स्मार्ट एज बीरबल, क्या आप बीरबल की तरह ही चतुर हैं। मेक हिज लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट, अब आप बीरबल की लाइन को छोटी बनाइए विदाउट इरेजिंग बीरबल्स लाइन, बीरबल की लाइन को विदाउट रब किए, अब आपको अकबर बीरबल की लाइन छोटी बनानी है। देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हम बीरबल से बड़ी लाइन ड्रॉ कर देंगे, अब क्या हो गया बच्चों, बीरबल की लाइन छोटी हो गई हमसे, ठीक है। मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड देन द राइट आर्म, अब आपके जो राइट आर्म है उसको आपने लेफ्ट आर्म से 1 सेंटीमीटर बड़ा करना है, कैसे करोगे ये आपको ट्राई करना है घर पे, फिर बताना है बच्चों। ड्रॉ ए कप 1 सेंटीमीटर देन दिस कप, इस कप से
एक सेंटीमीटर छोटा कप बनाना है बच्चों। आप पहले इसको स्केल के हेल्प से मेज़र करेंगे, फिर इससे जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो आपको अब 4 सेंटीमीटर का कप बनाना है। ओके बच्चों, ड्रॉ ए ब्रूम हाफ लॉन्ग एज दिस ब्रूम। बच्चों ब्रूम बोले तो, ब्रूम बोले तो झाड़ू, दिस इज ए ब्रूम बच्चों, ये है ब्रूम झाड़ू। ओके अब आपको क्या बोल रहा है, इसकी हाफ मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर है, 8 का हाफ क्या होता है 4 सेंटीमीटर, अब आपको 4 सेंटीमीटर की ब्रूम बनानी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। बच्चों जो अब आपको ये हेयर दिख रहा है इससे डबल लेंथ का हेयर बनाना है इनके सर पे। कैसे बनाओगे, स्केल की हेल्प से इनकी लाइन लेंथ मेजर करोगे, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, तो फिर आपको 2 सेंटीमीटर का हेयर बनाना है। कितने सेंटीमीटर का हेयर बनाना है, 2 सेंटीमीटर का। ओके बच्चों, जो इसकी लेंथ से डबल हो। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, पेज नंबर 15। हाउ टॉल हैव यू ग्रोन, आप कितने लंबे हो गए हैं। बच्चों सभी बच्चों का अलग अलग आंसर होगा, मैं बता रहा हूँ, आई एम 55 सेंटीमीटर टॉल। डू यू रिमेंबर डैट इन क्लास थर्ड यू मेज़र योर हाइट। क्या आपको याद है आपने क्लास थर्ड में अपनी हाइट मेज़र की थी, याद है बच्चों। अब आंसर में आप क्या लिखोगे, यस आई मेज़र्ड माई हाइट इन क्लास थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा बच्चों, डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर। क्या आपको लग रहा है आपकी हाइट बढ़ रही है। बच्चों अब हम आंसर में लिखेंगे, यस आई हैव ग्रोन टॉलर, हाँ मेरी हाइट बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, हाउ मच कितनी कितनी हाइट ग्रो की आपने, अब ये पूछ रहा है बताइए। अब हम आंसर में लिखेंगे बच्चों, अबाउट 6 सेंटीमीटर, लगभग 6 सेंटीमीटर मेरी हाइट जो वो ग्रो की है मैंने क्लास थर्ड से क्लास फोर्थ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा हैव योर फ्रेंड्स ऑल्सो ग्रोन टोलर। क्या आपके फ्रेंड्स की भी हाइट बढ़ रही है, बताइएगा बच्चों। अब हम आंसर में लिखेंगे बच्चों, यस माई फ्रेंड्स ऑल्सो ग्रोन टॉलर, हाँ मेरे फ्रेंड्स की भी हाइट बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट एंड फिल द टेबल बिलो, नीचे गई टेबल को फिल कीजिए। फ्रेंड्स नेम बच्चों, यहाँ पे आपने अपने फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं इस बॉक्स में, इसमें इसमें इस लाइन में पूरे में अपने फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं। लास्ट ईयर हाइट इन सेंटीमीटर, थर्ड क्लास में आपके फ्रेंड्स की क्या क्या हाइट थी यहाँ पे लिखनी है आपने, वो भी सेंटीमीटर में। दिस ईयर हाइट, इस साल फोर्थ क्लास में आपके फ्रेंड्स की क्या हाइट है वो यहाँ पे आपने लिखनी है, फिल करनी है। हाउ मैनी सेंटीमीटर हैव दे ग्रोन, अब यहाँ पे आपने बताना है थर्ड क्लास से फोर्थ क्लास तक उन्होंने कितनी सेंटीमीटर हाइट गेन की, कितनी सेंटीमीटर हाइट बढ़ी है उनकी, यहाँ पे वो बताना आपको। ओके बच्चों अब नीचे चलते हैं। झुम्पा वंस रीड ए लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। झुम्पा एक बार लिस्ट पढ़ रही थी वर्ल्ड के, विश्व के सबसे बड़े आदमियों की। वंस ऑफ देम वाज 272 मीटर टॉल, जिनमें से एक की हाइट 272 मीटर थी। डैट इज जस्ट डबल ऑफ झुम्पाज हाइट, जो कि झुम्पाज के हाइट से एकदम डबल था। हाउ टॉल इज झुम्पा, अब बताइए झुम्पा कितने सेंटीमीटर टॉल है, कितनी लंबी है, बताइए। आंसर नोट डाउन कीजिए बच्चों, हाइट ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन क्या थी, 272 सेंटीमीटर, विच इज डबल देन झुम्पाज हाइट, जो कि झुम्पाज की हाइट से डबल था। सो 272 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 136 सेंटीमीटर, तो फिर झुम्पाज हाइट इज 1 सेंटीमीटर, जो कि झुम्पा की हाइट है, कितनी है झुम्पा की हाइट, 136 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन मान लीजिए या कल्पना कीजिए, कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग। क्या वह आदमी आपके क्लासरूम के अंदर प्रवेश कर सकता है विदाउट झुके, मतलब बिना बैंड हुए, बिना झुके। द डोर ऑफ द क्लासरूम इज 220 मीटर हाई, जो
क्लासरूम के दरवाजे की हाइट है वो 220 मीटर 220 सेंटीमीटर हाइट है। सो द पर्सन कैन नॉट पास थ्रू इट विदाउट बेंडिंग, जिस वजह से वह व्यक्ति उस दरवाजे के अंदर बिना झुके नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी हाइट जो है वो 220 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो उसे कमरे में आने के लिए झुकना पड़ेगा। विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ ही स्टैंड स्ट्रेट, क्या उसका सर कमरे की छत से टच करेगा आपके घर पे यदि वह सीधा खड़ा होगा तो? बताइए बच्चों, आंसर नोट करो। आंसर क्या है? नो, बिकॉज द हाइट ऑफ माय रूम इज 300 सेंटीमीटर, जो हमारे कमरे की हाइट है वो 300 सेंटीमीटर है, पर उस व्यक्ति की हाइट 272 सेंटीमीटर है, इस वजह से उसकी हाइट छोटी रह गई 300 सेंटीमीटर से, जिस वजह से उसका जो सर है हमारे कमरे के छत पे या रूफ पर टच नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ योर फैमिली, आपकी फैमिली में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? हु इज़ द टोलेस्ट इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में सबसे बड़ा मेंबर कौन है? नोट डाउन कीजिए बच्चों, माई फादर इज़ द टोलेस्ट इन माई फैमिली, मेरे फादर हमारी फैमिली में सबसे लंबे है। हिज हाइट इज़ 175 सेंटीमीटर, उनकी हाइट जो है वो 175 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में सबसे छोटा कौन है? आंसर नोट डाउन कीजिए बच्चों, आई एम शॉर्टेस्ट इन माई फैमिली, अपनी फैमिली में मैं सबसे छोटा हूँ। माई हाइट इज़ 95 सेंटीमीटर, मेरी हाइट 95 सेंटीमीटर है। वॉट इज डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स, सबसे बड़े फैमिली मेम्बर और सबसे छोटे फैमिली मेम्बर के बीच में, उनकी हाइट के बीच में क्या डिफरेंस है? आंसर नोट डाउन कीजिए बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट इज 80 सेंटीमीटर। 175 किसकी हाइट है? उनके पापा की है, 95 उनकी हाइट है। इनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 175 में से 95, कितना बचेगा? 80। तो इनकी हाइट के बीच का डिफरेंस क्या है? 80 सेंटीमीटर। नंबर 16 पे आ गए, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट रेस, रेस क्या होती है? दौड़। दिस इज़ 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स, 100 मीटर की रेस है किनके? लड़कियों के लिए। अरुंधति इज द नियरेस्ट फिनिशिंग लाइन, अरुंधति जो है वो फिनिशिंग लाइन के बहुत ही पास है। दिस इज अरुंधति, ये कौन है? अरुंधति है। सी इज अबाउट 6 मीटर फ्रॉम इट, ये जो है अरुंधति फिनिश लाइन से 6 मीटर, कितने मीटर? 6 मीटर दूर है बस। बिहाइंड हर इज रेहाना, अरुंधति, अरुंधति के पीछे, अरुंधति के पीछे कौन है? बिहाइंड बोले तो पीछे कौन है? रिहाना, ये बच्चों रिहाना, रिहाना है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं? कोनकाना एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रिहाना, ये जो दो लड़कियां आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये दोनों, ये कौन है? एक कोनकाना है और एक क्या है? उमा। ये किसके पीछे दौड़ रही है? रिहाना के पीछे दौड़ रही है, रिहाना से पीछे है ये रेस में। लुक एट द पिक्चर, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है बच्चों। टू आंसर द क्वेश्चन बिलो चूज फ्रॉम दिस डिस्टेंस, ये बच्चों हमको कुछ डिस्टेंस दिए गए हैं, इनमें से हमने सही आंसर पिक करके यहाँ पर फिल करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ फार इज रिहाना फ्रॉम अरुंधति, रिहाना जो है वो अरुंधति से कितने पीछे है? इनके बीच का डिफरेंस बताइए, इनके बीच का डिफरेंस है बच्चों 3 मीटर, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 3 मीटर। ओके, आपको यहाँ पे फिल करना है 3 मीटर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार ए हेड इज रिहाना फ्रॉम कोनकाना एंड उमा, जो रिहाना है वो कोनकाना और उमा से कितनी आगे है? दिस इज 6 मीटर। बच्चों आप यहाँ पे आंसर में क्या लिखोगे? आप यहाँ पे आंसर में लिखोगे 6 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? हाउ फार कोनकाना एंड उमा फ्रॉम फिनिशिंग लाइन, ये जो कोनकाना है ये और उमा है ये फिनिशिंग लाइन से, दिस इज़ फिनिशिंग लाइन, इससे कितने मीटर दूरी पर है?
दिस इज 15 मीटर. कितने मीटर दूरी पर है? 15 मीटर. 19. हैव यू हियर्ड अबाउट मैराथन रेस? क्या आपने मैराथन रेस के बारे में सुना है? इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर्स, जिसमें 40 किलोमीटर के आसपास दौड़ते हैं. पीपल रन मैराथन ऑन रोड्स, पीपल जो है मैराथन को रोड के ऊपर दौड़ते हैं. हेयर आर द इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर सम जंप्स. हमारे पास कुछ हाई जंप, लॉन्ग जंप के वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडियन रिकॉर्ड्स हैं. फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल हाउ मैनी सेंटीमीटर मोर चंद्रपाल जंप टू इक्वल टू द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप. चंद्रपाल और कितना सेंटीमीटर जंप करे जिससे जो मैन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो उसके बराबर हो जाए. बच्चों पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं. बच्चों ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ये इंडियन रिकॉर्ड है हाई जंप का. हाई जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड है जेवियर्स का, कितने मीटर है? 2 मीटर 45 सेंटीमीटर. और इंडियन का चंद्रपाल का कितना है? 2 मीटर 17 सेंटीमीटर. तो उन्होंने पूछा है चंद्रपाल को और कितने सेंटीमीटर जंप करना पड़ेगा एक्स्ट्रा जिससे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर पहुंच जाए. अब बच्चों क्वेश्चन आंसर देखिए हम कैसे सोल्व करते हैं. चंद्रपाल जंप 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, जो बच्चों मैंने आपको टेबल में भी दिखाया था. मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? 2 मीटर 45 सेंटीमीटर. अब हमसे पूछा गया चंद्रपाल को और कितना जंप करना पड़ेगा जिससे वो जो मेंस का वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके इक्वल पहुंच जाए. तो बच्चों 2 मीटर 45 सेंटीमीटर में से 2 मीटर 17 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर. तो चंद्रपाल को 28 सेंटीमीटर और जंप करना पड़ेगा आगे जिससे वो जो इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, जो मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड है हाई जंप का उसके बराबर आ जाएगा. ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी सेंटीमीटर हायर शुड बोबी ए जंप टू रीच 2 मीटर? बच्चों अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है बॉबी को और कितना जंप करना पड़ेगा जिससे वो टोटल 2 मीटर की जंप तक पहुंच पाए. देखो बच्चों बॉबी ने जंप किया है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर. अब इसमें हम कितना और ऐड करें, कितना और प्लस करें जिससे बॉबी जो है 2 मीटर के इक्वल पहुंच जाए. कितना और जंप करना पड़ेगा बच्चों देखिए. अब बॉबी ए जंप 1 मीटर 91 सेंटीमीटर. ये बच्चों हमें टेबल से पता लगा है. बच्चों ये बॉबी ए है यहाँ पे, ये इसने जंप किया, ये बॉबी ए जंप करके पहुँच गया यहाँ पे. यहाँ पे कितना डिस्टेंस इसने कवर किया जंप करने के बाद? 1 मीटर 91 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन में ये पूछा है बॉबी अब और कितना जंप करे जिससे वे 2 मीटर पे पहुँच जाए. अब बॉबी को यहाँ से दोबारा जंप करना है, कितना जंप करना है? बच्चों ये है पूरा डिस्टेंस 2 मीटर. 2 मीटर में से हम 1 मीटर 91 सेंटीमीटर घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा जो बॉबी ने दोबारा जंप करके कवर किया है. तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के पास 2 मीटर 0 सेंटीमीटर माइनस 1 मीटर 91 सेंटीमीटर जो बॉबी ने पहले जंप किया था. देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 09 सेंटीमीटर. बोले तो 9 सेंटीमीटर बॉबी को और जंप करना है. अब आपको क्या लिखना है? बॉबी जंप 9 सेंटीमीटर मोर टू रीच 2 मीटर. 2 मीटर पहुंचने के लिए बॉबी को 9 सेंटीमीटर और जंप करना पड़ेगा बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिमेंबर दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. बच्चों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. अब इन्होंने पूछा हाफ मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे. बच्चों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है. हमें क्वेश्चन में पूछा 0.5 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं ये बताना है. बच्चों हमने 1 का हाफ कर दिया, 1 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा? 0.5, हाफ मीटर आएगा. हमने यहाँ हाफ किया तो यहाँ भी हाफ करना पड़ेगा. 100 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा? 50. तो 0.5 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 50 सेंटीमीटर. देखिए बच्चों
इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस है 1 मीटर। 1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम ऊपर वाले का हाफ कर रहे हैं, मान लीजिए ये हाफ हो गया, यहाँ तक हम ऊपर वाले का हाफ कर रहे हैं, तो हमें बच्चों नीचे वाले का भी हाफ करना पड़ेगा। तो 0.5 मीटर में कितने इसका हाफ करा, 1 का हाफ क्या किया, 1 का हाफ करने पर क्या आया, डिवाइड करेंगे 1 को 2 से, हाफ आएगा 0.2, और 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 50 सेंटीमीटर। तो 0.5 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, 50 सेंटीमीटर, पता लग गया। 100 को 2 से डिवाइड कर दिया, ओके बच्चों। गैलिनाज लॉन्ग जंप इज नियरली, गैलिना की जो लॉन्ग जंप है वो किसके आसपास है, नियर है, बताइए बच्चों। इन्होंने बोला है 7 सेंटीमीटर के बराबर है गैलिनाज की लॉन्ग जंप, 7.5 मीटर के बराबर है या 8 मीटर के बराबर है। बच्चों देखो गैलिना ने कितना जंप किया है, गैलिना ने जंप किया है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। बच्चों ये गैलिना है, गैलिना ने जंप किया कितना, जंप किया 7.52 मीटर, वो जो क्वेश्चन में दिया। फिर उन्होंने पूछा है गैलिना ने नियर अबाउट किसके आसपास जंप किया है, 7 मीटर के आसपास जंप किया है या 7.50 मीटर के पास जंप किया है या 8 मीटर के पास जंप किया, बताइए बच्चों किसके पास जंप किया है। अब जो गैलिना ये 7 के पास है, 7 मीटर के पास है, नो, 8 मीटर के पास है, नो, गैलिना पास है 7.50 मीटर, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है कितने पे है, 7.50 मीटर। सो आंसर होगा गैलिनाज लॉन्ग जंप इज नियरली 7.5 मीटर, गैलिना जो है 7.5 मीटर के आसपास, नियरली मतलब आसपास जंप किया है, 8 मीटर तो बहुत दूर है 7.52 से, और 7 मीटर भी बहुत ज़्यादा दूर है, सबसे नियर क्या है 7.50 मीटर, जो कि हम बोल सकते हैं इसको 7.5 मीटर, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4, लुक एट द वोमेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप। अब इन्होंने पूछा है वोमेंस के वर्ल्ड रिकॉर्ड को देखिए, वोमेंस का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, हाई जंप का 2 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर और लॉन्ग जंप का 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर। अब इन्होंने हमसे पूछा इनके बीच का डिफरेंस क्या है, बताइए बच्चों अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है। वुमेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड हाई जंप, वुमेंस का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हाई जंप है 2 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर, वुमेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड लॉन्ग जंप, वुमेंस का जो लॉन्ग जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर। अब बच्चों इनके बीच का डिफरेंस पूछा हमसे क्वेश्चन में, तो डिफरेंस करने के लिए हमेशा बड़े में से छोटे डिजिट को सब्ट्रैक्ट करता है, तो 7 मीटर 52 सेंटीमीटर में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ गया 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप इज 5 मीटर एंड 43 सेंटीमीटर। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वुमेंस का, उसमें हाई जंप और लॉन्ग जंप के बीच का जो डिफरेंस है वो है 5 मीटर एंड 43 सेंटीमीटर। बच्चों ये सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर आया, डिफरेंस पूछा, डिफरेंस के लिए हमें क्या करना होता है, डिफरेंस के लिए बच्चों हमेशा हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होता है, वही बड़े डिजिट में से छोटे डिजिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ माइक पी कुड जंप डैश सेंटीमीटर लॉन्गर ही जंप वुड बी फुल 9 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है यदि माइक पी और कितने सेंटीमीटर जंप करता जिससे कि वो फुल 9 मीटर जंप कर पाता। अब माइक पी है कहाँ, देखिए माइक पी ने कितने कितना जंप किया है, 8 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर। अब इसको 9 मीटर जंप करना था, माइक पी जंप 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, माइक पी ने जंप किया है। क्वेश्चन पूछ रहा है उसको 9 किलोमीटर जंप करने के लिए और कितना मीटर जंप करना था और कितना सेंटीमीटर जंप करना था, तो उन्होंने जंप किया है 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, इसको हम 9 मीटर 00 सेंटीमीटर, क्यों हमें सेंटीमीटर नहीं दिया हो तो यहाँ पे हमने 00 लिया बच्चों। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। माइक पी यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट टाइम जंप किया, ये जंप करके यहाँ पहुँचे, ये डिस्टेंस है 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, इसको और कितना जंप करना है जो ये नियरली 9 सेंटीमीटर तक जंप कर पाता। बच्चों 8 मीटर 95 सेंटीमीटर में अगर हम 5 सेंटीमीटर और ऐड करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं 9 मीटर, आंसर हमारे कितना आ गया
5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज हाई जंप इज वेरी क्लोज टू एंड हाफ मीटर, किसकी हाई जंप जो है 2.5 मीटर के बराबर है। स्टेफका के की, चंद्रपाला की, जेवियर्स की, बोबे की, इन चारों में से आंसर बताना है बच्चों आपको। आंसर देखेगा बच्चों, देखिए बच्चों, स्टेफका के ने जंप किया है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, चंद्रपाल ने 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, जेवियर्स ने 2 मीटर 45 सेंटीमीटर और बोबी ने जंप किया 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा है जो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के पास में जंप किया, किसने। बच्चों देखो, स्टेफका को 2 मीटर 50 सेंटीमीटर पहुंचने के लिए 45 सेंटीमीटर और लगेंगे, चंद्रपाला को लगेंगे 33 सेंटीमीटर, जेवियर्स को लगेंगे 5 सेंटीमीटर, बोबिये को लगेंगे 59 सेंटीमीटर। तो बच्चों 2.50 सेंटीमीटर के सबसे पास कौन है, देखो जेवियर्स है, इसे 2.50 सेंटीमीटर तक जाने में ओनली 5 सेंटीमीटर लगेंगे। बच्चों ये हमारी आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय बच्चों।